हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज हम जा रहे हैं डेरे और ये है जी कल वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट। तो खैर, यहाँ पर जी हम सारे के सारे रेडी होके तो जा रहे हैं डेरे, और साथ साथ बच्चे तो बहुत ही खुश थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारा जाना होता है डेरे, और बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं कि कब हमें टाइम मिले और हम जाएं। और यहाँ पर जी फातिमा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि उसके पेट में मुसलसल जो है वो दर्द हो रही है। साथ में सीरप वगैरह भी दिया, सब कुछ किया, बहरहाल उसे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर भी कह रही थी कि मैंने जाना ही जाना है। मैंने कहा अगर नहीं जाना तो ठीक है, घर पर रहो, मैं भी साथ रहती हूँ। तो नहीं मामा, मैंने जाना है, क्योंकि बहुत कम टाइम जो होता है ये डेरे पे हमारा जाने का चांस होता है, और वो भी जी सारे घर के कामों को मैनेज करने के बाद। यानी कि सारे काम जो हैं वो टाइम से पहले ख़त्म करने पड़ते हैं, टाइम पे शुरू होना पड़ता है, इसीलिए टाइम पे ख़त्म होते हैं। तो खैर, इसीलिए जी मैंने आज जो है हंडिया जल्दी बना ली थी, और साथ साथ यहाँ पर जी बच्चे जो थे वो हमारे साथ साथ जा रहे थे, और अली माशाल्लाह से हमें यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अली ने ऐसी स्पीटें लगाई कि वो हमसे आगे ना, तो वो साइकिल पे था यानी कि पैदल ही था, फिर भी उसने स्पीटें लगाई, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं ना इनको डेरे पे जाने के। तो खैर, यहाँ पर फजर जो थी उससे तो चला नहीं था जा रहा, फजर जो थी वो बैठ गई थी साइकिल पे, और मोहम्मद जो था वो काफ़ी तंग आ चुका हुआ था, कह रहा था कि मामा इसको नीचे उतार ले, नहीं तो मैं नहीं। मैंने कहा नहीं जी, ये अब बैठ गई है, ये अब जाते हुए वही बैठ के जाएगी, आते हुए तुम आना। तो खैर, यहाँ पर जी इसी तरह से उसको लेके जा रहे। मैं कहा एड्डी वड्डी साइकिल चुकन दे नाल, तेनू की फायदा है, ये जो दूसरी साइकिल होंगी पीछे इन्हू बहना से, अगे आप बहना से, तो तू डेरे अपर जाना। तो खैर, बच्चे हैं जी अपने ही कभी कभी मनवा लेते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक दफ़ा बारिश हो चुकी है, और बारिश होने के बाद एक तो मौसम साफ हो चुका है, आलूदगी वगैरह जितनी भी ये धूल डस्ट वगैरह उड़ रही होती है वो बैठ गई है, और साथ साथ जी फसलों का कलर मिगनिया हरा भी नहीं, यकीन करो एक ग्रीन बड़ा मज़े का कलर होता है ना, वो भी नहीं, उससे भी ज़्यादा हट गया है, यानी कि ज़्यादा ग्रीन वाला, और जिधर भी ध्यान मारो ऐसे ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था। और यहाँ पर जी अन्ने वा साढ़े गन्ने लेटे हुए ने, यानी कि बारिश नाले लेट गए। मैं कहा तुम थक गए हो वधे, ज़रा रेस्ट कर लो, यानी कि थकन तो बाद रेस्ट ही होंदा, और की होंदा। तो खैर, यहाँ पर फाइनली हम अपने डेरे पहुँच आए हैं, और बच्चे जो थे वो भी पहुँच आए थे, और साथ साथ जी आते ही माशाल्लाह से इतना पुरसकून डेरे का माहौल, और बाद बाहर जाके जो आपको सुकून मिलता ना, हाय वो किधरे नहीं लगता, यानी कि अपने डेरे अंत जाके। और आने के बाद एक तो थोड़ी बहुत वाक भी हो जाती है इंसान की, और साथ साथ मौसम भी चेंज होता है। आए मैं मर गई, ऐ वेख के मेरा दिल बहुत ही उदास होया सी, यानी कि साढ़े गोए जिन्हें भी ऐसा ना सन थप्पे हो साढ़े सारे भिज गए सन, हाय सुकन दे ते असी कुछ करां दे ते नाल नाल आ वेख के मेरा दिल उदास होया सी। मैं तो आख्या मेरा बिजनेस चमक जाएगा, मेरिया खजूरां पकन दियां मैं वेचां दी, बहरहाल वो सारियां नेरी नाल ही उड गई, यानी कि लै लू गई। तो खैर, यहाँ पर जानवर जो हैं वो बांधे हुए हैं, और यहाँ पर आए कदर जड़ा साड़ा कुत्ता ना इन्ना को पटा मारदा है, जदों ही असी जाइए साढ़े लत्तां पै वड़दा है, यानी कि इससे हमेशा से ही डर लगता है हमें। और यहाँ पर जी हमारे हज्जा साहब यानी कि अब्दुल्ला साहब जाते हुए हमसे जाने से पहले डेर बैठे हुए थे, और फजर मैडम कैटों को देख रही थी, यानी कि बिल्लियों को जाते देख रही थी चारपाई पे बैठ के। तो अब्दुल्ला साहब साथ साथ जी मसरूफ़ थे अपने ही मोबाइल में। तो है, ये हमारी एक दिन की रूटीन होती है, जो कि हमने एक दिन की रूटीन के अंदर से कुछ टाइम निकालना होता है, और डेरे पे हमने सैर के लिए जाना होता है। और जी ये कुछ अदद घी था, देसी घी, उसके अंदर आटा डाल के मैं लाई थी कि किसी ना किसी जानवर को दे दें, क्योंकि वो थोड़ा जल गया था, पुप्पो से जल गया था थोड़ा थोड़ा गर्म करते हुए, तो तब का पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आज लग दे हाथ भी ले जाइए। तो खैर, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, यकीन जानो एड्डा रफड़ साडा किसे गल तो नहीं हुंदा जिड्डा साडा रफड़ हुंदा है। असा डेरे जाना है, असा डेरे जाना है ना, मैनू समझ नहीं आती। असी तो जाके वैसे माहौल दी वजह तो थोड़े कु हो जाने हैं होश के, आराम सुकून एक बंदा वेख लैंदा सारियां फसलां वेंदा है। मैनू स्पेशल जी आखो ना, बड़ा ही चावे कि बार बार डेरे जाके तो वेखना वही हो को नहीं। तो खैर, मैं क्या हैलो हाय मैं भी जे मैं मेरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करो, मैं भी आई तुम मेरे व्लॉग वेख्या करो। तो सारियां हैरान सन, हाय हाय ऐसा नुआ की रही है। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, हाले तो समझ नहीं ना, चार दिन लंघ लें तो फिर समझ जाती हैं। तो खैर, यहाँ पर जी
बकरों के साथ भी बातचीत करने के बाद अली जो था, हाय मेरा पुत्र नु इन्हों नहीं सुकून, यकीन करो मैं कहनी है इहदे हड्डी नहीं आराम दी लगी। इस मुंडे नु एक डेरे ते आउंदा, एक गलियां च फिरन दा, ते खान तो सिवा तीसरा चौथा काम ही कोनी। यानी कि जिद्दू वेखो ऐ तीन चार काम होंदे ने, ना इन्हें अपने आप आखना होंदा कि मैं अज घर हाँ मैं आराम नाल बह जा, हाय टीवी दा रिमोट हथे दे दिओ, रोटी दे दो, भुख लग गई है, अम्मी डेरे होवा, मामा गली च खेड़ावा, इत्थे ही इन्हें सानू रखिया हुंदा। यानी कि ये सता सता के कोई हाल नहीं छड़दा, ते दे अगे ना ली लो कि अज असां डेरे जाना, तो फिर ये माशाल्लाह जिहड़े तुसां त्रै चार काम करके डेरे जाना ने, तुहानू वह भी नहीं करन देन लगा। इन्ना को फिर एक गल दे पिछे पै जाना हुंदा कि नहीं जाना जाना जाना। मैं कहा चलो जाना तो फिर चलने हैं। तो खैर हम जी फाइनली पहुंच आए थे, और यहाँ पर जी हम आए हुए थे छत पे, और उससे ऊपर वाली मजीद छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी। यानी कि वो जड़ी साड़ी लकड़ दी पौड़ी सी ना, जो भी नहीं सी पता कि कितने गई है। तो खैर मोहम्मद था, तो मैं क्या मोहम्मद पुत्र है वे लै हाँ जरा को मामा का बिजनेस जरा चमकाओ, यानी कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के दे दो ताकि मैं अपने नाजरीन हाजरीन दोस्तों वहा सकाँ। तो खैर माशाल्लाह ऊपर वाली छत से व्यू तो बहुत मज़े का आता है, फसलें बहुत प्यारी लग रही होती हैं, ग्रीन ग्रीन हर तरफ नज़र आ रहा होता है, और दरख्त तो उससे भी ज़्यादा प्यारे। तो फिर माशाल्लाह वो सोने तो सुहागा हो जाता है जो सूरज डुबदा होवे, तो हाए जो माशाल्लाह सीन होंगे ने ना वो वक्रे ही होंगे ने। तो मैं नहीं ए जो मज़े असी पिंड लोग रह के लेने ना, शहर वाले लोगों को यह मुयसर नहीं, यकीन जानो एडा पुरसकून माहौल मैं तो कभी कभी सोचनी हाँ इतना मंजा ढाक बंदा पै रहे हाए इन दुनिया के झंझट, तो ना ही और किसी काम देते हैं, ऐ हो नहीं सकता ना, क्योंकि बाल बच्चा भी निका निका है ना, भी तो पका के देना ना। तो खैर यहाँ पर जी सारा जो है वो मोहम्मद साथ कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं क्या पुत्र राजा उन थले मैं बार बार आवाज़ा मारी सा, मनु नाल ए भी डर से था कि तेरे बात बनेरे दे नेड़े ही ना लग जाए। तो खैर यहाँ जी मामा मैं अमरूद लियो, मैं वापस आ तू अमरूद दे लालच नूं अगर थोड़ा कोया ना, अल्लाह ना करे बंदे दा हाथ बस फिसल जांदा थले आ जा। मैं क्या असी नहीं अमरूद खाते। तो खैर डांटने के बाद इसको नीचे उतारा, उन तो बाल लेंदे है को नहीं। तो खैर यहाँ पर हम भी जा रहे हैं नीचे, क्योंकि डांट हमें भी लग चुकी थी, यानी कि हम थोड़ा ही टाइम रह चुका था मगरब से पहले जब हम डेरे पहुंची थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हूँ तो शाम होगी, तुम शामी की लैन आ गई हो। तो मैं कहा सानू की पता से साढ़े माशाल्लाह टोर ही एड्डी कुछ स्पीड नाल से कि असा मगरब तो पहले ही अपड़ना है, यानी कि एड्डा सुस्त हाए कोई भी जिंदगी होवेगा पर असी प्रो मैक्स सुस्ता। तो खैर यहाँ पर फजर जो थी वो अपने पापा के पास बैठी हुई थी, और वो जी उसको जूता पहना रहे थे, क्योंकि मैं कह रही थी फजर आ जाओ बेटा जी अब चलें घर। तो खैर यहाँ पर जी कुछ अदर छोटे मोटे जानवर हमारे ये भी हैं, क्योंकि माशाल्लाह आज से कोई साल दो पहले यहाँ पर हमारे जानवर बहुत ज़्यादा होते थे। तो शायद आप लोगों को भी पता हो कि पीछे जानवरों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उसमें हमारे जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसाने गए थे। हाय हाय वो तो नुकसाने गए ही गए, मैंने तो बेरी भी एक हैरानगी आ रही इसमें है इधर किन्ने नास मारे ना, सारे टाण ही वढ़ छड़े ने। तो अब्दुल्ला कहना आप ही बाजी वढ़िया मशीन जो भी आँदी सी अड़ते सन। मैं हाय हाय तुसा फिर एक पास ही छांग छड़ी तुसी फिर सवारी छांगो। तो खैर ये सारे काम जो है साथ साथ चलते हैं। माशाल्लाह पिछे साडा टोका लग गया, पट्ठे कुतरे ने, नाल नाल मज्जां बन्नियां ने, पिछा बन छड़ियां ने, पानी पिया के पता नहीं की कीते। तो खैर यहाँ पर हमारा जाने का टाइम हो चुका, तो मैं चल मां सदके त्रों पौनियां लिए मेरी धीए अगे लग तो चल जरा अपनी हिम्मत टोर। तो खैर फजर पहले तो नाराज़ थे, नहीं मैं भाई के साथ जाने, मैं कह नहीं थी टोर हूँ तक डेरे वाले यानी कि साढ़े घर दया ने डेरे तो बत्तियां भी बाल छड़िया ने कि शाम हो चलीए। तो मैं कह तो पहला कि असा जाके घर रोटियां भी पकानियां ने अगे लगो तो टुरो। तो फजर बार बार भाई मुझे बिठा लो, तो भाई मुझे बिठा लो, तो भाई साहब माशाल्लाह कह रहे सन नहीं नहीं पैदल आओ जरा। तो खैर फजर जो थी उसका चलने को बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैं क्या चल फजर हौली हौली, तो आ मेरे पुत्र नु सुकून नहीं सी, यकीन करो हाले भी एदा दिल कर रहा सी किधरे ना मैं कोई थोड़ा को डेरा एक्सप्लोर कर ला यानी कि फेटर ला। तो खैर यहाँ पर सारे बच्चे जो थे वो हमारे चलने लगे आगे आगे। मैं कहा चलो हूँ हौली हौली चिकट का भी स्वाद ले लिया, हौली हौली हूँ पैदले भी चलिए। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूरज ग्रूब होते हुए का नज़ारा, और साथ साथ मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा था, तो मज़ा आ रहा था घूमने का। बिना तो वासने से चल रहा मैं नंगी पैरी टोड़ लेंगी। तो खैर यहाँ पर जो है फजर बैठ गई थी मोहम्मद से, साइकिल नहीं चलाई जा रही थी। मैं क्या पुत्र है तेरी हिम्मत है उन्हें इन तू ही लैके आना, मैं तो नहीं, मैं तो आल लगी जानी आओ मेरी लैमोजिन खलोती। खैर पता नहीं कि खलोती सी, मैं क्या बुआ खुले होंगे ना तो कभी चला के असं कितने खत्ते चवाड़ ही छड़नी सी।
खैर यहाँ पर जी फाइनली हम तकरीबन आधा रास्ता हमने डेरे का कवर कर लिया, यानी कि घर को जाते हुए, और यहाँ पर मोहम्मद जो था, मामा इनू ला लो, मैं नहीं, मैं बस मैं है पुत्र उन्होंने तो मैं ला ही ला दी, अज जड़ा चिट्टे कपड़े का तू नास मारिया ना, मैं है अगली बारी मैं तेन देगी ना तो गल करी, यानी कि जे तुम दे छड़ो तो एडा को नास मार छड़ते ने फिर पांच जोगा रहन देंदे ही नहीं, तो फिर माँ माशाल्लाह बुरश मार मार के तो कूचे मार मार के हाए, फिर जो मेरे हथ पीड़ हो जाते ना वो तो मैं नहीं पता ना। खैर माशाल्लाह इतने फजा का मोड़ बिल्कुल नहीं सी, यानी कि बिल्कुल तुरंत है नहीं सी, मैं मोहम्मद तेन की फायदा होया इस साइकिल का लिया का, मैंने तो ये तो दस। खैर अली नाल ना लिया कर रहा मामा, हूँ भाई लैके आया, अगली बारी कल मैं लैके आनी, मैं हाला ए तो कल वेख्या जाए ना कल डेरे आना किन्ने में। तो खैर यहाँ पर मेरी भोली से टुरया नहीं था जा रहा, तो फिर भी मजबूरी से टुर रही थी, तो और आपको बाय बाय करते हुए डिगने भी लगी थी। बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, हाय हाय माँ सबके नहीं, बिस्मिल्लाह।